आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिद्धांत स्वागत है तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना जरूरी है अगर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है तो उसको सेक्सुअल असोल्ट नहीं माना जाएगा देखिए पॉक्सो पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं और बच्चों के साथ काफी ज्यादा मतलब ये देखिए एक ऐसा इशू है ना जो हमारे समाज में प्रेवलेंट है कई बार रिश्तेदार छोटे बच्चों को असोल्ट करते हैं सेक्शुअल असोल्ट उनके साथ होता है मैंने कितनी सारी टेस्टमनीज देखी है इसमें बताया है कि हम लोग के साथ तो दस दस साल असोल्ट हुआ पांच पांच साल असॉल्ट चलता रहा तो बड़ा खतरनाक है तो उसी के रेफरेंस में ये एक्ट आया पॉक्सो एक्ट और अगर अब बच्चों के साथ कोई भी सेक्सुअल सेक्शुअल तो करने की बॉम्बे हाईकोर्ट कंट्रोवर्शियल है हम एनालाइज करेंगे ग्रुप बटे हुए हैं एक कह रहा है ठीक है एक कह रहा है गलत है एक ग्रुप तो फिलहाल ये डिसीजन है क्या हम इस लेक्चर में जानेंगे जो सोर्स होता है जहां से मैंने डेटा उठाया पीपीटी में वो मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ वैसे मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा और बहुत सारे मीडिया वेबसाइट्स को खंगाला तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखेंगे दोस्तों क्या कोर्ट ने कहा है है टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी आप जरूर अवेल करें आईबी की टेस्ट सीरीज पे काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स है इंस्टा पे मैं आ गया हूँ मुझसे आप अगर मिलना चाहते हैं मैं अपडेट्स यहाँ पे डालूंगा सवाल पूछना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पे आइए तो यहाँ पे दोस्तों नागपुर बेंच ऑफ दॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बोला है कि अगर एक्ट ऑफ ग्रोपिंग अ चाइल्ड ब्रेस्ट अगर बच्चे के स्तन को बच्ची के स्तन को छुआ जा रहा है विदाउट एनी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड सेक्शुअल इंटेंट इज नॉट सेक्शुअल असोल्ट अगर बच्चे के स्तन को ब्रेस्ट को छुआ जा रहा है टच किया जा रहा है और कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है और सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो वो सेक्सुअल असोल्ट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर नहीं आएगा मतलब कि मान लीजिए लड़की ने कोई कपड़ा पहना है माइनर है लड़की 18 साल से कम है उसने कोई कपड़ा पहना है अब अगर कोई इंसान उसकी ब्रेस्ट को छूता है ठीक है और फिजिकल स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हो कपड़ों के बाहर से कपड़ों मतलब उसने कपड़ा पहना हुआ है शर्ट पर जो भी पहना हुआ है और अगर कोई ग्रोप करता है तो वो सेक्सुअल एसॉल्ट के अंदर आएगा ही नहीं उसके लिए कपड़े को हटाना होगा या फिर हाथ अंडर डालना होगा या फिर उनके गुप्तांगों को छूना तब वो जाके सेक्सुअल के अंदर आएगा ये जो मामला है ये आएगा आउट दी ऑफ अ वुमेन औरत के, औरत के, औरत की को लज्जित करना या उसकी इज्जत को उछालना या उसकी इज्जत के साथ मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करना ये उसके तहत आएगा अंडर दी इंडियन पीनल कोड ये सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस पुष्पा भी गनेडी वाला ने बोला है है है, है कि कि अगर लड़की के ब्रेस्ट को 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 छुआ जा जा रहा रहा नहीं किया रहा है। top को remove किया या top के अंदर हाथ डाला तब वो skin -to -skin contact का मतलब यही है कि जो क्राइम जो, जो, uh, मतलब कर रहा है मतलब जो इस तरीके की हरकत कर रहा है उसकी स्किन और विक्टिम की स्किन का टच करना जरूरी है अगर उसने कपड़े पहने हुए हैं और तब उसने कोई भी गंदी हरकत की वो पॉक्सो के अंदर आएगा ही नहीं पॉक्सो के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी खतरनाक सजा है खतरनाक इन सेंस की काफी लंबी सजा है इसमें लेकिन ऑफ से, से दो साल की सजा होती है तो ये आईपीसी के अंदर आता है अब इससे पहले हम और खबर को विस्तार में जाने ये मेरा टेलीग्राम चैनल तेरह एक सौ सब्सक्राइबर आप यही ज्वाइन करिएगा यहां पे एक बारह साल की लड़की थी बारह साल की लड़की को एक आदमी ने बुलाया अमरूद के बारे की मैं तुमको अमरूद दूंगा और उसको अपने घर ले गया किडनेप कर लिया और उसके बाद उसने उसके साथ गंदी हरकत की उसका सलवार उठाने उतारने की कोशिश की लेकिन तभी उसकी मां आ गई और जब उसकी मां आई तो लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी और फिर उसकी मां ने लड़की को बचाया अब यहां पे फिर उसने कंप्लेन दायर कर दी अब जब कंप्लेन दायर कर दी पहले ट्रायल कोर्ट ने तो सजा बरकरार रखी सजा दी लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने अपील कर दी जो ये परपेट्रेटर था ठीक है इसने हाईकोर्ट यह हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि आर्ट ऑफ प्रेसिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑफ द दाइल्ड एज ट्वेल्व इल्ड

354 of the IPC outraging the modesty औरत को लज्जित करने के अंदर आएगा ये जज ने बोला है जस्टिस गनेडी वाला ने यह भी ऐड किया है कि सेक्शन सेवन ऑफ दॉक्सो एक्ट क्या डील करता है कि कोई भी एक्ट ऐसा हो माइनर के साथ जिसमें सेक्सुअल इंटैक्ट हो ठीक है दैट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन ये सेक्शन 7 में आता है कि अगर सेक्सुअल इंटेंट है पेनिट्रेट उसने नहीं किया है तब भी वो सेक्सुअल असोल्ट के अंदर आएगा उसमें सजा मिलेगी सेक्शन ये कहता है कि सेक्सुअल इंटेंट यानी कि गुप्तांगों को छूना बच्चे के गुप्तांगों को छूना या अपने गुप्तांगों को छुवाना ये दोनों ही सेक्सुअल इंटेंट और सेक्सुअल असोल्ट के अंदर आएगा विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन तो हुआ नहीं है ठीक है लेकिन विदाउट पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट तो हुआ है ना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भाई जो विक्टिम है वो एक तरीके से बच्चे को अब्यूज कर रहा है है ना उसके गुप्तांगो को छू रहा है वो उसके गुप्तांगो को छू जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ तो दैट मीन इट कमिटेड इट हैज कमिटेड सेक्सुअल असॉल्ट लेकिन यहां पे स्किन स्किन टू कांटेक्ट हुआ नहीं ये कोर्ट ने बोला है स्किन स्किन टू यहां पे तो कपड़े के ऊपर से पहली बात तो डिटेल्स हमारे पास है नहीं तो जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा तब तक हम उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं कर सकते अब देखिए सेक्शन एट ऑफ द पॉक्सो एक्ट जो है इसमें दोस्तों पांच साल की सजा है और कम से कम तीन साल की सजा है तो क्या इसमें सजा नहीं मिलेगी बिल्कुल मिलेगी यहाँ पे हालांकि ये सजा कम है कंपेरेटिवली काफी कम है देखिए सेक्शन सेवन जो है वो सेक्शुअल सेक्शुअल्ट को बताता है ये आपके सामने जो अभी मैंने बताया कि अगर गुप्ता को छुआ करवाया और सेक्शन एट में सजा का प्रावधान है ठीक है ना सेक्शन सेवन बताता है सेक्शन एट में सजा का प्रावधान है बट यहाँ पे दोस्तों कोई डिटेल्स है नहीं देखिए यही बताया है लड़की ने कि लड़की ने बोला कि उसने सलवार हटाने की कोशिश की और उसने मेरे ब्रेस्ट को टच करने की कोशिश की तो मैंने चिल्लाई और चिल्लाई उसके बाद जो आदमी है मतलब चिल्ला में बहुत प्रॉपर नहीं पाई क्योंकि उसने मेरा मुंह दबा दिया था और उसके बाद वो भाग गया अब जब अः यहाँ पे उनतालीस साल का है जिसने ये काम किया है अब जब यहाँ पे उनकी माता गई तो माता घर में घुसी उन्होंने ढूंढा अपनी लड़की को अब लड़की जो है वो रोते रोते मिली और पूरा इंसिडेंट बताया उसके बाद माता जी ने जो है वो लॉन्च करवाई नागपुर के ट्रायल कोर्ट में मामला गया तो नेक्शन एट के तहत इसको सजा दी और सेक्शन थ्री भी लगाया आईपीसी के तहत भी इसको सजा मिली और सेक्शन एट के तहत भी सजा मिली यह हाईकोर्ट चला गया अब हाईकोर्ट देखिए सेक्शन 354 के तहत तो इसको सजा मिलेगी ही लेकिन सेक्शन एट पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट इसके ऊपर नहीं लगाया है वहां से उसको बरी कर दिया कि इसने कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया बल्कि इसने आउटरेजिंगी सो इसीलिए अब ये देख रहे हैं कि पहले इसको तीन साल की सजा दी थी ट्रायल कोर्ट ने जब यह हाईकोर्ट गया, तो अब इसको सेक्शन थ्री के तहत सजा मिलेगी तो यहां पे दो साल के लिए किडनैपिंग और छह महीने के लिए फॉर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट इसको सजा दी जाएगी इसको छोड़ के मतलब पॉक्सो एक्ट को छोड़ के बाकी जो प्रावधान इस पर लागू होते हैं उसके तहत इसको सजा दी जाएगी इसने किडनैप तो किया ही घर में ले गया गलत तरीक, तरीके से उसको छापे जस्टिस पुष्पा ने यही बोला है कि स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए हमको प्रॉपर प्रूफ चाहिए इस इंसान को सजा देने के लिए अब जजमेंट ने कर दिया है जो कॉन्विक्टेड है उसको एक्वेट कर दिया है और माइनर ऑफेंस आउट रेजिंग दी मोडेस्टी इसको बस एक साल की सजा दी जाएगी ऑफ रेगुलस इंप्रिजनमेंट फिर यहां पे जस्टिस वाला ने प्रोसिक्यूशन लॉयर के मतलब इसको भी रिजेक्ट कर दिया है कि प्रेसिंग ऑफ ब्रेस्ट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 7 यहां पे जो पब्लिक लॉयर है प्रोसिक्यूशन मतलब है एमजे खान उन्होंने बोला था कि सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के तहत आता है प्रेसिंग ब्रेस्ट कम्स अंडर दी सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट लेकिन जस्टिस गनेडी वाला ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया टेडली इट इज नॉट द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट अपेलेंट रिमूव्ड हर टॉप एंड प्रेस्ड हर ब्रेस्ट

है ना मतलब यहाँ पे तो जो परपेट्रेटर है अब उसको पता चल गया है कि आ, अच्छा ठीक है इस तरीके से हमको नहीं करना है तो वो दूसरी तरीके से करेगा फिर यहाँ पे एक ये भी है कि अगर मान लो कि कुछ भी ऐसा होता है गलती से भी अगर किसी का मतलब दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि गलती से भी अगर किसी का कोई बच्चा है उसका मान लीजिए कि ब्रेस्ट टच कर ली गलती से ठीक है तो उसमें भी फिर क्या सजा हो जाएगी सेक्सुअल इंटेंट तो एक तरीके से ग्रुप यहाँ पे डिवाइडेड है एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है ये एक ग्रुप कह रहा है कि कॉन्ट्रोवर्शियल है एक ग्रुप कह रहा है कि बिल्कुल ठीक तो ये लेक्चर था दोस्तों थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक था खुश रही पढ़ते रहे जैसे सिद्धांत नहीं साइनिंग ऑफ